Hello and welcome to computer class. How are you all students? Today we are going to revise about sound recorder program. So let's start with that. Chapter 4, Windows Accessories and Multimedia. So today we are going to revise about sound recorder program. It helps us to record our voice and other sounds into the computer. साउंड रिकॉर्डर की हेल्प से हम वॉइस को या किसी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें एक माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम से अटैच कर देते हैं और हम उसकी मदद से वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे ओपन कैसे करते हैं देखते हैं। ये स्टार्ट स्क्रीन है, इसमें सबसे नीचे एक बटन है, एप्स व्यू बटन। इस बटन को जो डाउनवर्ड्स एरो की तरह दिख रहा है वो एप्स व्यू बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो एप्स व्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसमें साउंड रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे, साउंड रिकॉर्डर पर क्लिक करते ही वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। एक और तरीका है जिससे हम साउंड रिकॉर्डर ओपन कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में सर्च बॉक्स है जिसमें हम साउंड रिकॉर्डर टाइप कर सकते हैं, और टाइप करते ही वो हमें ऑप्शन दे देगा साउंड रिकॉर्डर का, और उसे क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर इसे हमें क्लिक करना है और स्टार्ट कर देना है रिकॉर्डिंग करना। जब रिकॉर्डिंग हो जाए उसे सेव करना ज़रूरी है, वरना रिकॉर्डिंग डिसअपियर हो जाएगा। सेव कर दिया हमने, अब हम इसे कभी भी सुन सकते हैं। नाउ लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम। फर्स्ट इज टाइटल बार, इट शोज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। जो साउंड ये ऑडियो हमने सेव किया है उसका नेम शो करता है इस टाइटल बार में। नेक्स्ट क्लोज बटन, जो एक्स हमें दिख रहा है उससे क्लिक करने से साउंड रिकॉर्डर विंडो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर ये रिप्लेस हो जाता है स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन से। जब हमारी रिकॉर्डिंग फिनिश हो जाए तो हम स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट टाइमर, विच शोज द लेंथ ऑफ द रिकॉर्डेड साउंड इन आवर्स मिनट सेकेंड, यानी हमने जो साउंड रिकॉर्ड किया है वो कितने ड्यूरेशन का है, क्या लेंथ है उसका, कितने मिनट के का है, कितने घंटों का है, वो शो करता है टाइमर। नेक्स्ट वॉल्यूम मीटर, वॉल्यूम मीटर शोज द वॉल्यूम लेवल्स ऑफ द इनपुट साउंड। जो साउंड या ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने में वो हेल्प करता है, या फिर वो कितने वॉल्यूम पर है वो भी शो करता है। नेक्स्ट हेल्प बटन, इसकी मदद से हम साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे उसमें वर्क कर सकते हैं, वो सारे इसमें पॉइंट्स मेंशन होते हैं। प्लेइंग द रिकॉर्डेड साउंड, विंडोज मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हमने जो भी साउंड या ऑडियो रिकॉर्ड किया है हम विंडोज मीडिया प्लेयर के थ्रू उसे सुन सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्लेबैक कंट्रोल्स हैं, यानी बहुत सारे बटन्स हैं जिसकी हेल्प से हम साउंड को प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, साउंड को म्यूट कर सकते हैं, और किसी साउंड को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में विंडोज मीडिया प्लेयर विंडो है जो कि हमें म्यूजिक फाइल्स या मूवी फाइल्स को प्ले करने में हेल्प करता है, और इसमें प्लेबैक कंट्रोल एरिया है। इसमें कुछ बटन्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम सॉन्ग या वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्ले बटन। प्ले बटन की हेल्प से हम किसी भी म्यूज़िक फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉज,
किसी फाइल को पॉज कर सकते हैं, यानी कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप, अगर हमें अब और नहीं सुनना है तो हम स्टॉप कर सकते हैं वीडियो या ऑडियो फाइल को। नेक्स्ट है बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करने के लिए हम इन बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेबैक कंट्रोल एरियाज में ये बटन्स हमें अवेलेबल होते हैं। होमवर्क, प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग अ पोएम इन साउंड रिकॉर्डर। एक साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम में आप कोई भी एक पोएम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और यही आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन अबाउट द साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम। सो यू कैन रिकॉर्ड एनी पोएम और एनी सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर। टेक केयर। Bye, students.